जा जाने की जीवो ना बिहार की फाइट ले लिए बैक बिहार की सेवा में लगे रहते हैं कोई विभिन्न राज्यों में जा सके और टिकटो पटना में चल रहा है जहाँ पर मुद्दा जाया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता है वो नाराजगी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। जिस प्रकार से संसद भवन में कल भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार के पीयूष गोयल जी, उनके द्वारा जिस प्रकार बिहारवासियों के प्रति और बिहारियों के प्रति जिस प्रकार उनके मन में जो भाव था उनके मुख से निकल गया कि पूरे देश को बिहार मत बनाइए, जिस बिहार ने लोकतंत्र को दिया, जिस बिहार ने भगवान बुद्ध महावीर महात्मा गांधी को दिया, गुरु गोविंद सिंह को दिया, नालंदा को दिया, उस बिहार के प्रति जो उनके मन में बात थी वो कल बाहर आ गई। जिस प्रकार बिहारवासी लगातार 12 करोड़ बिहार के वासी देश की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, कोई बिहारवासी मजदूर बन के, कोई IAS IPS बन के, कोई किसान बन करके बिहार देश के विभिन्न राज्यों में जाके माँ भारती की सेवा में लगा रहता है, उन बिहारियों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी और पीयूष गोयल के मन में जो बात थी किस प्रकार से बिहार के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है, जितनी योजनाएं हैं उनको महाराष्ट्र और गुजरात ट्रांसफर किया जा रहा है और बिहार का एक एक व्यक्ति जो देश की सेवा में निरंतर लगा रहता है उनके साथ भेदभाव करने का काम किया जा रहा है, उसी के खिलाफ युवा जनता दल यूनाइटेड आज पीयूष गोयल और भारतीय जनता पार्टी मोदी अमित शाह का पुरजोर विरोध कर रही है कि बिहार वासियों के साथ अपमान करना बंद करिए, बिहार वासियों को नीचा दिखाना बंद करिए। बिहार वासी अपमान सहेंगे, एक तरफ भगाने की बात होती है और एक तरफ बिहार जीने की बात होती है, खराब है बिहार। ये वही पीयूष गोयल है, इन्होंने 5 ट्रेन को जबरदस्ती पीयूष देखिए पीयूष गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार के जो लोग हैं, मैंने कहा आपको कि बिहार के लोग माँ भारती की सेवा करने के लिए कोई किसान बन के, कोई बिजनेसमैन बन के, कोई IAS IPS बन के देश के विभिन्न राज्यों में जाकर बिना भेदभाव किए हुए देश की सेवा में लगा रहता है, उनके प्रति जो भाव भारतीय जनता पार्टी और पीयूष गोयल मोदी और अमित शाह का है वो काफी दुखद है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस जो स्टेटमेंट है और जो उनका जो मन में जो बिहार के प्रति जो भाव है उसका खामियाजा बिहार के अंदर में भुगतना पड़ेगा।